हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि जब भी आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर विंडोज इंस्टॉलेशन के लिए जा रहे हैं, जैसे कि आप विंडोज 11 इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आपको वहां पर जो पार्टीशन हम लोग क्रिएट करते हैं, वहां पर आपको एक एरर मैसेज देखने को मिलता है। देयर इज एन एरर सिलेक्टिंग दिस पार्टीशन फॉर इंस्टॉल, प्लीज सिलेक्ट डिफरेंट पार्टीशन और रिफ्रेश सिलेक्शन। तो ये एरर कैसे आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं, हम लोग इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो गाइज आपको यहाँ पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे पहले गाइज आपको करना क्या है, जो आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप है, वहाँ से आपको कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है शिफ्ट प्लस F10। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, फंक्शन की और फिर उसके बाद शिफ्ट और उसके बाद आपको F10 प्रेस करना है, मतलब तीनों की आपको एक साथ प्रेस करना है, ठीक है। अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो आपको सिर्फ शिफ्ट और F10 आपको सिलेक्ट करना है एक साथ। तो गाइज आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो गाइज आपके सामने यहाँ पर ये कमांड लाइन ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो गाइज आपको यहाँ पर एक कमांड रन करना है। कमांड क्या रहेगा, यहाँ पर आपको टाइप करना है डिस्क पार्ट, ठीक है, डिस्क पार्ट, और एंटर प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिस्ट लिखना है और कमांड टाइप करना है डिस्क, ओके, एंटर प्रेस कर दीजिए। तो आपके सामने आपका जितनी भी हार्ड डिस्क लगी हैं यहाँ पर वो शो हो जाएंगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है आपकी हार्ड डिस्क को, अगर आप SSD है तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो हमारा जो 80 GB का जो ये है वो हार्ड डिस्क है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर एक क्लीन कमांड रन करना है। सो गाइज मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप यहाँ पर क्लीन कमांड रन करोगे तो जो भी आपका यहाँ पर इस हार्ड डिस्क के अंदर, जो भी आपकी SSD है, इसके अंदर जो भी डेटा रहेगा वो सब का सब यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर ये क्लीन कमांड रन करने से पहले जो भी आपका डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप यहाँ पर क्लीन कर दोगे तो आपका सारा डेटा यहाँ से, जितना भी हार्ड डिस्क के अंदर है, वो सब का सब यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ओके। तो आपको याद रखना है, क्लीन कमांड रन करने से पहले आपको बैकअप ले लेना है। अगर आप यहाँ पर तक आ चुके हो इस स्टेप के अंदर, अगर आपको यहाँ पर फॉर्मेट नहीं करना है तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। कैंसिल क्या है, क्लोज बटन पर क्लिक करके आप उसको बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपको पूरा पार्टीशन क्लीन करना है, बिल्कुल फॉर्मेट करना है, तो आप जस्ट ये कमांड का यूज कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका बैकअप ले लेना है आपके डेटा का, तब जाके आपको ये क्लीन कमांड रन करना है। अगर आपने यहाँ पर ये क्लीन कमांड रन कर दिया तो आपका जो भी डेटा है आपके सिस्टम के अंदर वो रिमूव हो जाएगा, याद रहे आपको ये चीज़, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर अपना पूरा डेटा क्लीन कर रहा हूँ, मेरी जो ये हार्ड डिस्क है, यहाँ पर क्लीन कमांड रन करके ओके बटन पर कर दूंगा प्रेस। तो यहाँ पर मेरा जो क्लीन हो चुका है पूरा, ये 80 GB का पार्टीशन, तो देखिए यहाँ पर ये सक्सीड हो चुका है। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लीन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है एग्जिट, EXIT, और एंटर प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से, इसको बंद कर दीजिए, ओके। आप जस्ट यहाँ पर कर दीजिए रिफ्रेश, रिफ्रेश बटन पर कर दीजिए क्लिक। तो गाइज देखिए यहाँ पर जितने भी मेरे अलग पार्टीशन थे वो सब के सब रिमूव हो चुके हैं, सिर्फ मेरा जो 80 GB का जो मेरा ओरिजिनल है वो साइज आ चुका है। अभी मैं इसका एक पार्टीशन बना लेता हूँ 80 GB का, इसको एक मैं एक साइज दे देता हूँ, कोई भी एक साइज दे दीजिए आप, मैं 7 कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर दूंगा, अप्लाई करते ही जो मेरा ये पार्टीशन सी ड्राइव है जो, वो क्रिएट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मेरा 70 GB का पार्टीशन बन गया है प्राइमरी, ओके। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर ये फॉर्मेट कर लीजिए एक बार इसको, ठीक है, इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, फॉर्मेट हो चुका है। अभी आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए, जो आपको एरर मैसेज आ रहा था वो अभी एरर मैसेज नहीं आ रहा है,
ठीक है, इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर दीजिए तो आपका इंस्टॉलेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो आई होप गाइज आपका प्रॉब्लम यहाँ पर ठीक हो गया होगा। अगर आपका प्रॉब्लम यहाँ पर ठीक हो गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।